महंगाई तो बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट एक तरफ, महंगाई पेट्रोल डीजल खाने की चीजें, हर चीज, बच्चों के पेंसिल रबर ऐसे चीजें भी मोदी ने जो नहीं छोड़ा, सब कुछ जीएसटी लगा दिया। एक तरफ जीएसटी की मार, एक तरफ महंगाई की मार, एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट, और आज 26 करोड़ लोगों का इनकम केवल 10,000 रुपए महीना है। 28 करोड़ लोग जो काम करते हैं, उनमें से 26 करोड़ लोगों की आमदनी वो केवल 10,000 रुपए है। तो आप सोचिए, देश आगे बढ़ रहा है या पीछे बढ़ रहा है? जवाहरलाल नेहरू जी ने इसीलिए तो 5-year planning लाए थे, लोगों को अनेक कॉलेज बना के दिए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, और हैदराबाद उसका एक सबूत है। जिस जगह हजारों लोग फार्मेसी में और दूसरे इंडस्ट्रीज में, एचएलए में जो काम करते हैं, इस हैदराबाद बना पब्लिक सेक्टर की वजह से, हैदराबाद को बढ़ावा मिला, इकोनॉमी को बढ़ावा मिला, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच जो थी पब्लिक सेक्टर बनाने का, लोगों को नौकरी देने का, ये एक एक बेच के खा रहे, ये तो इतना बेच रहे हैं पूछो मत, कि मोदी और शाह मिलके ये दो लोग और इस देश के दो अमीर लोगों को बेचते जा रहे हैं। एयरपोर्ट नहीं छोड़ रहे, पोर्ट नहीं छोड़ रहे, रोड नहीं छोड़ रहे, हवा एक खुला छोड़े उसको एक टैक्स नहीं डाल रहे, नहीं तो बाकी सब बेच के खा रहे हैं। अगर मौका मिला, उनको कोई टेक्निक बताया, अगर आदमी जीना है उसको ऑक्सीजन और हवा होना है तो उसको कम से कम टैक्स लगाना चाहिए, अगर कहा तो वो भी कर जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।